हेलो फ्रेंड्स, तो ये चल रहा है हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें आज हम लोग ले रहे हैं केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में दो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, तो आज हम लोग लेंगे तीसरा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अम्लों को हमेशा कांच के पात्र में रखा जाता है, धातु पात्र में नहीं, ऐसा क्यों? आप देखते हो हमेशा एसिड को जो ग्लास का बना हुआ यूटेंसिल्स होते हैं, ग्लास का बना हुआ जो भी चीज होता है उसमें रखा जाता है, कोई भी मेटलिक कैनिस्टर में नहीं रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धातु उनमें संचित अम्लों से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो जो भी अगर एसिड रखा जाएगा किसी भी मेटलिक कंटेनर में, तो उसके साथ धातु जो मेटल है वह अभिक्रिया कर लेगा उस एसिड के साथ, यानी रिएक्ट करेगा। इसी कारण से हमेशा ग्लास के बोतल में रखा जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। जल न अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, क्यों? क्यों ऐसा है कि जल न्यूट्रल होता है, ना ही एसिडिक होता है और ना ही आपका बेसिक होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण अथवा दान नहीं करता है। ठीक है, ना तो यह ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉनों का और ना ही दान करता है, इसी कारण से यह ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। इनमें से कौन सा तत्व तो सभी अम्लों में आवश्यक रूप से मौजूद रहता है? कौन सा तत्व तो अगर आप कोई भी एसिड लेते हो उसमें उससे वो मिलेगा ही मिलेगा, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, खून डैश है, खून कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? तो खून होता है बेसिक। खून का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, पीएच वैल्यू भी, पीएच वैल्यू इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉमन है उसका पीएच वैल्यू आप याद रखो। ठीक है, पीएच वैल्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो पीएच वैल्यू आप याद रखो, कॉमन चीजों का पीएच वैल्यू कितना होता है। तो खून का पीएच वैल्यू होता है 7.4, और आपको पता है कि 7 से अगर ज्यादा हो गया तो वो हो जाएगा बेसिक, और 7 से कम हो गया तो वो हो जाएगा एसिडिक। शुद्ध पानी का पीएच कितना होता है? शुद्ध पानी का पीएच होता है 7। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संसाधित करके तैयार किया जाता है? ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया गैस को आप मिलाते हो, तो मिला के हम लोग कौन सा उर्वरक यानी कौन सा फर्टिलाइजर तैयार करते हैं? तो वो है आपका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट हम लोग इन दोनों को मिक्स करके मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनिया को मिक्स करके बनाते हैं। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचायक बैटरी में कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है? वो है सल्फ्यूरिक एसिड। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा होगा। ठीक है, नींबू रस का पीएच क्या होगा? नींबू रस का पीएच लगभग कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच होता है 2.4। सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड आपको निम्न ऑप्शन में से जो भी दिया हुआ है उसमें से क्या होगा, वो हो जाएगा SO3। देखो, एनहाइड्राइड निकालने का मैं सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ। इससे जो भी H वाले केसेस हैं, जो भी एसिडिक अगर एसिड का आपसे पूछा जाता है, या कोई भी चीज जिसमें आपको H2O आसानी से दिख जाता है, तो उसको आप आसानी से उसका एनहाइड्राइड बता सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे एनहाइड्राइड हैं जिसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, दो चार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे निकालते हैं। देखो, एनहाइड्राइड तब बनता है जब आप उस कंपाउंड से आप वाटर को निकाल देते हो। यानी मान लो ये आपका कंपाउंड था, इसमें कुछ वाटर कंटेंट है मिक्स, आप वाटर कंटेंट निकाल देते हो, जो बचता है वही होता है एनहाइड्राइड। ठीक है, अभी आपसे क्या बोला जा रहा था? अभी बोला गया यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4 होता है ना, H2SO4। मैंने बोला अगर H2SO4 से वाटर निकाल दो तो आपका जो बचेगा वही होगा एनहाइड्राइड। H2 तो अवेलेबल है, O से आप एक O निकाल लो। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल लिया H2O, ये आपने बाहर कर दिया। तो H2O जब आपने बाहर कर दिया तो इसमें बचा क्या? एच खत्म हो गया और O एक कम हो गया, यानी SO3। तो आपका SO3 उसका H2SO4 का एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप आसानी से उसको मान लोगे। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा सल्फ्यूरिक एसिड का एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा, SO3। और इसका सिर्फ इस प्रॉपर्टी से आपका सारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, जहाँ पे भी आपका H2 अगर उस कंपाउंड में अवेलेबल है और O अवेलेबल है, तो आप आसानी से उसको बाहर करके जो बचेगा आप उसको बोल सकते हो ये इसका एनहाइड्राइड है। लेकिन और भी अगर आप आसानी से इसको आउट ना कर सको, ऐसा कोई आपको एग्जांपल मिल जाए, तो आप कोशिश करो उसको याद रखने का। नहीं तो अगर देखो, एक चीज़ और होता है कि नॉन मेटल जो उसमें पाया जाता है उसका अगर आप ऑक्साइड लेते हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड के नॉन मेटल का आप ऑक्साइड लेते हो, तो वो भी एनहाइड्राइड कहलाता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा अगर थोड़ा सा ज़्यादा क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको कंपाउंड दे दिया, ठीक है, जहाँ पे आप आसानी से H2O को बाहर नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा क्रिटिकल
सिचुएशन बनेगा आपके लिए। लेकिन आप यहाँ से इसको याद रखो, कम से कम अगर उस तरह के क्वेश्चन आए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको आया तो आप आसानी से H2O को बाहर करके एनहाइड्राइड बना सकते हो। तो अभी तक तो आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, अब आप बहुत चीज कर पा रहे हो, इससे 70% क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नींबू में कौन सा एसिड होता है? तो नींबू में कौन सा एसिड होता है? ये होता है साइट्रिक एसिड। 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच कितना होगा? तो देखो यहाँ पे आपको 25 डिग्री सेल्सियस आप छोड़ दो तो उदासीन विलयन, आपको पता है उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, यानी होता है उसका 7। ठीक है, तो जो न्यूट्रल होगा उसका कितना होगा, वो हो जाएगा 7। लेकिन आपको यहाँ से याद दूसरा चीज रखना है, आपको याद ये रखना है कि ये 25 डिग्री सेल्सियस क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप ऑन एन एवरेज अगर लेते हो तो आपका पीएच होता है 7। अगर 25 से कम होगा तो कुछ और हो जाएगा, 25 से ज्यादा होगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको यह ध्यान रखो कि 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई, जैसे आप पानी लेते हो, प्योर वाटर जिसको बोलते हो, तो प्योर वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा पीएच 7। लेकिन जैसे ही उसमें फ्लक्चुएशन आएगा तो उससे उस पर फर्क पड़ता है। यानी आपसे, आपने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला कि टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण भी पीएच पर फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर किसी घोल की पीएच 7 से कम है तो वह घोल कैसा होगा? 7 से कम है तो वह कैसा हो जाएगा? हो जाएगा एसिडिक। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। पीएच 2 का घोल पीएच 6 के घोल से कितना गुना अधिक अम्लीय होगा? तो पीएच 2 का घोल आपने लिया है, पीएच 6 का घोल आपने लिया है, तो कितना गुना अधिक वो अम्लीय होगा? आपको पता है ना एसिडिक, यहां से जैसे जैसे आप 7 से पीछे जाओगे तो ये एसिडिक किसका, एसिडिटी बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो एसिडिक उसमें कंटेंट ज्यादा रहेगा। तो पीएच 2 का पीएच 6 से ज्यादा है कितना? अब देखो जब आप एक यूनिट बढ़ते हो तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लगभग में लो, अप्रोक्स में लो, तो लगभग 10 गुना इसका एसिडिटी बढ़ जाता है। अगर आपने लिया है 7 और 6, ठीक है, तो 7 और 6, यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 6, तो 7 से 6 पर आने में लगभग 10 गुना इसका एसिडिटी बढ़ जाएगा लगभग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है pH 6 और pH 2, तो pH 6 से जब आप 2 पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10-10 गुना इसमें बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 10-10 गुना जब बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे 10 बढ़ा तो 5 आया, फिर 10 बढ़ा तो 4 आया, ठीक है, फिर 10 बढ़ा तो 3 आया, और फिर 10 बढ़ा तो 2 आया, यानी लगभग 10⁴ ये गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 गुना। ठीक है, लगभग 10,000 गुना एसिडिटी उसका ज्यादा होगा। एक जलीय घोल का OH माइनस सांद्रण 1×10⁻⁴ है तो घोल का पीएच कितना होगा? कितना होगा इसका पीएच? इसका पीएच हो जाएगा 10। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले, सबसे पहले एक पीएच का जो रिलेशन है लॉग के फॉर्म में वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये आते हैं, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? पीएच का फॉर्मूला होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन। ठीक है, एच प्लस आयन ये हो गया आपका, अगर एच प्लस आयन है तो, या नहीं तो ओ एच माइनस, सेम फॉर्मूला में आप ओ एच माइनस लगाओगे। लेकिन ये ओ एच माइनस होता क्या है? ये होता है पी ओ एच। ठीक है, पी ओ एच ये होता है माइनस लॉग ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये दो चीज आप यहां से नोट डाउन करके रख लो, और अगर आपको पीएच निकालना हो तो आप क्या करोगे, 14 माइनस पीओएच को माइनस करोगे, जो पीओएच का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक ये समझ में आ गया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था। इसमें ओएच का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था आपका 1×10⁻⁴। ठीक है, यानी पीओएच जो आप यहां से निकालोगे तो पीओएच क्या निकल जाएगा, ये निकलेगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁴। ठीक है, तो लॉग का आपको पता होगा क्या होता है, लॉग में जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस फोर, यानी ये हो जाएगा आपका 4, और लॉग 10 बेस भी 10 है तो लॉग 10 हो जाता है वैल्यू 1, लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, यानी इसका जो पीएच पीओएच आ गया ये आपका आया 4। ठीक है, पीओएच अगर आ गया 4 तो पीएच मैंने क्या बताया, पीएच इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस पीओएच, तो 14 माइनस पीओएच क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है पीएच अगर सॉल्व करना है तो, और अगर आप एच कॉन्सेंट्रेशन में निकालोगे तो फिर डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये ओएच वाला था इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, पीओएच निकालना पड़ा,
फिर आपने 14 माइनस किया तो आपका पीएच निकल गया। ठीक है, निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? ठीक है, पेट के जीवाणुओं को कौन सा एसिड नाश करता है? ये आपका HCl। ठीक है, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली यानी एलुजेल टेबलेट में क्या होता है? तो एसिडिटी अगर कम करना हो तो आप लेते हो एलुजेल गोली। ठीक है, एलुजेल टेबलेट, तो एलुजेल टेबलेट में एक्चुअली होता क्या है? तो एलुजेल टेबलेट में होता है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है एलुजेल टेबलेट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखो। यहां से देखो, यहाँ पे दो चीज आपको याद रखना है। एलुजेल टेबलेट जो होता है इसमें से एक तो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा होता है मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम। तो यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, कहीं पे मैग्नीशियम दिया रहेगा, तो आप इसको नोट डाउन करके रख लो। ठीक है, तो एलुजेल टेबलेट में दो चीज होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम। और ये इसका काम क्या है? इसका काम है एसिडिटी दूर करने के लिए। अब देखो, एक बिना एलुजेल टेबलेट का आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन देगा कि एसिडिटी दूर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो आप यूज करते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्या यूज करते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये एक दो क्वेश्चन है जिसको आपको नोट डाउन करके रख लेना है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? फलों के रस के परिरक्षण के लिए अगर आप उसको परिरक्षित करना चाहते हो तो आप किस एसिड का या किस केमिकल का आप यूज करते हो, एसिड नहीं, किस केमिकल का यूज करते हो? तो ये है सोडियम बेंजोइक। ठीक है, बेंजोइक एसिड आप यूज करते हो परिरक्षित करने के लिए, और सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, उसी से बना है सोडियम बेंजोएट, जिसको आप लोग ऐसे प्रिजर्वेटिव यूज करते हो। कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटय क्या होता है? तो कार के बैटरी में कौन सा अपघटय यूज किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड, आप सब जानते हो। निमांकित में से कौन सा तत्व कार्बोनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो अगर कार्बोनिक यौगिक है तो कौन सा तत्व मौजूद होगा? अब इसमें इनसे कुछ सोचना नहीं है, कार्बन मौजूद होगा। अगर कार्बोनिक यौगिक है तो कार्बन होगा उसमें। सबसे अधिक संख्या में यौगिक निम्न तत्व के हैं, कौन से तत्व का सबसे अधिक यौगिक होता है, अधिक सबसे अधिक कंपाउंड है? तो कौन सा तत्व है? वो है कार्बन। कार्बन का सबसे अधिक कंपाउंड होता है। निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो जो भी प्रोसेस आपको दिए हुए हैं इसमें से हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस होगा? तो जल का विद्युत अपघटन, इससे हाइड्रोजन निकलेगा। लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, इससे भी हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जस्ते का प्रक्रिया, इससे भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, जो भी तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सारे हैं जिससे हाइड्रोजन रिलीज होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है? तो कौन सा समक्षारीय ऑक्साइड है, जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस ये है आपका Na2O। ठीक है, Na2O आपका समक्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से ऐसा कौन सा तत्व है जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? तो वो कौन है? वो है लोहा। ठीक है, इनमें कौन सही है? तो देखो, अभी इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा था, वहां पे पीएच का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन का। ठीक है, माइनस लॉग एच प्लस, ये होता है पीएच का फॉर्मूला। ठीक है, यहां से आप इस चीज को याद रखो। गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? तो गाय का दूध पीला होता है, आप सब जानते हो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कैरोटीन। तो दूध में पीले, देखो यहां से दो क्वेश्चन आते हैं आपका, पीला दूध का जो पीला कलर होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कैरोटीन। और उजला जो होता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है केसीन। ठीक है, तो पीले रंग का कारण कैरोटीन और उजले रंग का कारण केसीन। तो दो चीज है, आप याद करके रख लो। N/20 NaOH का 10 ml घोल और N/20 HCl के 20 ml घोल में मिश्रित किया जाता है तो परिणामी घोल क्या नहीं करेगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा तो मैं अभी नहीं समझाऊंगा, पर आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ क्वेश्चन बोल क्या जा रहा है। आप क्वेश्चन को याद कर लो क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है 2003 में, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया। तो देखो ये N/2, अब आपको क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ये N/2 क्या है। तो N जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, किसी भी आप अगर सॉल्यूशन उसमें लेते हो, आप ये टेक्निकल टर्म है, आप अगर सॉल्यूशन आप लेते हो कोई भी चीज उसमें NaOH आप ले रहे हो तो उसमें कितना NaOH है, ठीक है, कितना NaOH है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मेलिटी से। आप जैसे परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे मान लो आप लेते हो एक दूध और पानी का मिश्रण जिसमें आप बोलते हो 20% मिल्क है, इसका मतलब क्या हुआ?
कि 20% मिल्क है और 80% पानी है उसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि एक मिक्सर में कितना है। वैसे ही अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में अगर आप कोई भी सॉल्यूशन लेते हो तो सॉल्यूशन में कितना NaOH है आप रिप्रेजेंट आप करते हो किससे, N/20 से। N/20 अगर आप लो तो क्या हो गया, 0.5, ठीक है। तो 0.5 N का मतलब हुआ कि आपने अगर 1 लीटर सॉल्यूशन लिया तो उसमें से 0.5 पार्ट उसका क्या होगा, होगा NaOH, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि N/20 NaOH का 10 ml घोल, ठीक है, और N/20 HCl का 20 ml घोल को मिश्रित किया जाता है। तो उसमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होगा निम्न का जो वो शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको तो ये अल्टीमेटली याद रखना है, ठीक है। तो क्या शो नहीं करेगा, देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। तो पहला ऑप्शन है अधिक H+ आयन से युक्त होगा, ये सही होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है फिनोप्तिलीन के घोल को गुलाबी बना देगा, ये गलत है। नीले लिटमस को लाल बना देगा, ये भी सही है, और मेथिल ऑरेंज को लाल बना देगा, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे आप अगर समझना चाहो तो जब NaOH में आप HCl मिलाओगे तो ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा अगर एसिडिक हो जाएगा तो जितना भी लाल वाला ऑप्शन है ये आपका सारा सही हो जाएगा, और H कंटेंट अधिक हो जाएगा, H+ आयन, ठीक है, क्योंकि एसिड में H+ आयन अधिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन गलत क्या हो जाएगा, फिनोप्तिलीन के घोल को गुलाबी कर देगा। क्यों ऐसा आंसर होगा, क्योंकि फिनोप्तिलीन का घोल को गुलाबी कौन करता है, ये जब बेस बन जाता है, अधिक बेस कंटेंट रहता है तब वह गुलाबी करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नमक का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है, लाल लिटमस को अगर नीला करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लाल लिटमस को नीला अगर करना है तो उसको होना चाहिए बेसिक कंटेंट। अब आपका है ये नमक, नमक एसिड और बेस दोनों से मिलके बनता है, ठीक है। तो जिसका बेस कंटेंट ज़्यादा होगा, यानी एक अगर आप स्ट्रांग बेस और वीक एसिड को मिलाते हो तो आपका ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसका प्रॉपर्टी बेसिक होगा, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है, ये सभी ऐसा है जो आपके लाल लिटमस को नीला कर सकता है, क्योंकि सब वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से बना हुआ है। रबर आसानी से घुल जाता है, तो रबर आसानी से किसमें घुल जाता है, तो रबर आसानी से घुल जाता है आपका बेंजीन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रबर आसानी से किसमें घुलता है, ये घुलता है बेंजीन में। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वल्केनाइजेशन, किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। तो आप क्या यूज करते हो उसमें, आप यूज करते हो सल्फर। तो यहां से देखो दो चीज आपका आया कि अगर प्राकृतिक रबड़ को आप यूज करना चाहते हो तो आप उसको नेचुरली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है, आप किसी काम का नहीं है वो आपका। तो अगर उसको यूज करना है तो यूज करने के लिए आप कौन सा प्रोसेस करते हो उसमें, तो वो करते हो वल्केनाइजेशन, यानी वल्केनीकरण। एक क्वेश्चन यहां बना। दूसरा क्वेश्चन यहां से यह बनता है कि वल्केनीकरण यानी वल्केनाइजेशन में कौन सा तत्व आप यूज करते हो, तो वो करते हो सल्फर का, ठीक है। अम्ल को तनु करने के लिए आप क्या करते हैं, तो अगर उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो आप उसमें क्या करोगे, अगर किसी भी एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखो तो आपको अच्छा लगेगा, ऑप्शन देखो कितना घुमा फिरा के पूछा है। एसिड में जल उढ़ेल देते हैं, जल में एसिड को उढ़ेल देते हैं। अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन चालू हो गया, क्या करते हैं हम लोग, अम्ल और जल को समान मात्रा में मिलाते हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी जल में आप एसिड को उढ़ेलते हो, ना कि एसिड में जल को, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है तो उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा रहेगा तभी वो कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा। तो क्या हो गया, जल में हम लोग एसिड को उढ़ेल देंगे तो बन जाएगा मेरा वो कॉन्सेंट्रेटेड। एसिड यानी अम्ल बदलता है, तो अम्ल किसको किसमें बदलता है, तो अभी मैंने बताया था अम्ल गुस्सा वाला होता है तो वो ब्लू को लाल कर देगा, ठीक है। अम्ल क्या करेगा, वह नीले लिटमस को लाल में बदल देगा। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में करते हैं, तो सीसा संचायक बैटरी में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, ऊपर भी हम लोगों ने अभी देखा था। नीले लिटमस वाले पानी से अगर CO2 होकर गुजारी जाए तो परिणामी घोल का रंग क्या होगा, ठीक है। तो पानी है, पानी से अगर CO2 आप गुजारते हो तो वो बन जाएगा एसिडिक, ठीक है। तो पानी से अगर CO2 गुजारोगे तो कैसा बन जाएगा, वो बन जाएगा एसिडिक। तो नीला लिटमस किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा लाल में, ठीक है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है, तो रसायन का राजा किसको कहते हैं, रसायन का राजा कहते हैं H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है।
कांच पर लिखने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच पे अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको कौन सा एसिड यूज करना होगा, तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड यूज करते हो कांच पर लिखने के लिए, तो वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। एटम बम आधारित है, तो एटम बम किस प्रॉपर्टी पर आधारित है? एटम बम आधारित है परमाणु विखंडन पर। यहां से देखो दो क्वेश्चन आते हैं, एटम बम और आपका दूसरा क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन हो जाएगा और एटम बम परमाणु विखंडन हो जाएगा। एक परमाणु रिएक्टर में कैडमियम छड़ किस लिए उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में कैडमियम छड़ का हम लोग यूज क्यों करते हैं? तो कैडमियम छड़ का यूज करने का कारण एक ही है, वह है तीव्र न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। ठीक है, भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में हम लोग करते हैं। भारी जल क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी क्या होता है भारी जल का जिसके कारण से हम लोग यूज करते हैं? तो वो कारण है आपका हाइड्रोजन से भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है। हाइड्रोजन से नहीं, हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल होता है भारी जल। ठीक है, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर में शीतलक के रूप में, यानी मॉडरेटर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो एक्टिविटी नहीं दर्शाता है? यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव मेटल है, तो कौन नहीं है? वो है एल्यूमिनियम। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं कौन सी? तो कोई भी रेडियो एक्टिव मेटल है, ठीक है, उससे जो उत्सर्जित होगा अल्फा किरण वह कौन सा है? वह है हीलियम नाभिक। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। ठीक है, तो अल्फा किरणें जो उत्सर्जित होती है वह है हीलियम नाभिक। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, विखंडन की प्रक्रिया निम्न में से किसके लिए उत्तरदायी होती है? सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए गलत है, हाइड्रोजन बम गलत है, एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए ये सही है। तो विखंडन की प्रक्रिया एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए यूज होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होता है, तो सूर्य से ऊर्जा कैसे उत्सर्जित होता है? ये होता है नाभिकीय संलयन से। आप सबको पता है कि सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है जिसके कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में करता है? वो है शीतलक के रूप में। D2O का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? वो करते हैं शीतलक के रूप में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है उसका नाम है अप्सरा। ठीक है, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? यह है अप्सरा। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसका क्या परिणाम है? ठीक है, किसका परिणाम है? ये रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, इसके कारण से परमाणु विस्फोट में बहुत अधिक एनर्जी रिलीज होता है। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया में जारी रखने के लिए यूज किया जाता है? कौन सा आइसोटोप है? वो है यूरेनियम-235। कौन सा? यूरेनियम-235। रेडियो एक्टिव आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंगें या किरणें उत्पन्न होती है? जो भी आपके ऑप्शन हैं उसमें हो जाएगा अदृश्य तरंगें। ठीक है, लेकिन उसमें उत्पन्न क्या होता है? उसमें उत्पन्न होता है गामा रेज। क्या होता है? गामा रेज। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन के दौरान गामा रेज प्रोड्यूस होता है, ये आपको याद रखना है। असंगत चयनित कीजिए, क्या है अगला? असंगत चयनित कीजिए, तो जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो बेमेल है आपको वो छांटना है। यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव है, लेकिन हीलियम नहीं है रेडियो एक्टिव, तो आपका आंसर हो जाएगा हीलियम। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कैंसर में कौन सा यूज किया जाता है? वह है कोबाल्ट-60। आपको पता होगा कोबाल्ट-60 का यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो याद कर लो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सा यूज करते हैं हम लोग, करते हैं कोबाल्ट-60। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज के केमिस्ट्री का सेशन। ठीक है, चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।